2014 में जो जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि कुछ आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये सब उनको समझ में आ गया। 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए, देश के युवा को पता चल गया और युवा समझदार है और युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। सब जगह अच्छे गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने मोदी को कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जनता और युवा को पता है कि हमें देशभक्त बनना है, ना कि अंधभक्त बनना है, इसलिए वह जमकर मतदान कर रहे हैं और साल 2014 से वह सोच रहे थे कि अब वह आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे। यह सब उनको समझ में अब आ चुका है। 10 सालों के अंदर ही अच्छे दिन नहीं आए मोदी जी, सिर्फ अच्छे दिन आए तो उनके लिए सिर्फ आए हैं। 10 साल में वह 15,000 कपड़े बदले हैं और देश दुनिया में वह घूमने में रिकॉर्ड बना दिए हैं। वह सिर्फ काम करने में पीछे हैं और यह बात युवा को पता चल चुका है और युवा समझदार है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में मुकेश सहनी किस तरह से हमलावर एक बार फिर से नजर आते हुए मोदी के कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, जनता अपना मत का अधिकार करेगा, खास करके हमारे देश का युवा जो है वो मजबूती से मतदान कर रहे हैं और देश को युवा को पता है कि अभी हमें देशभक्त बनना है, ना ही कि किसी का अंधभक्त बनना है, तो वो सब समझ चुके हैं। 2014 में जो जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि कुछ आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये सब उनको समझ में आ गया। 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए, हाँ मोदी जी के अच्छे दिन आ गए जो 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले, देश दुनिया में घूमने में रिकॉर्ड बना लिए, तो हर चीज़ का वाहवाही करने में मोदी जी आगे हैं, दुनिया घूमने में आगे हैं, काम करने में पीछे हैं, ये देश के युवा को पता चल गया और युवा समझदार है और युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है और सब जगह अच्छा रहेगा और हम लोग जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है सब जगह हम लोग चुनाव अमित शाह ने कहा है कि 4 चरण का चुनाव हो गया है, 270 सीटें पार कर ली है और अभी तक कांग्रेस आपको लालू को 4 सीट भी नहीं और राहुल गांधी को 40 सीट भी नहीं, तो वो 270 पार ही कर लिए तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, बैठ जाना चाहिए, क्यों रोड पे पूरा देश दुनिया में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ जाना चाहिए, विपक्ष को लड़ने देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार का आईना दिखाने वाले हैं, सरकार को आईना दिखाएंगे, मजबूत हमारा विपक्ष होगा तब हमारा देश अच्छा चलेगा। जब उनको इतना पता है कि 270 पार कर लिए तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए, आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे तो आप चुनाव मत लड़िए और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए ताकि हम लोग जीत जाए और हम लोग, आप तो सरकार बना रहे तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, सरकार हम लोग बना रहे हैं और उनको परेशानी है, इसलिए तो देख रहे हैं बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी, इससे पहले कभी इतना बिहार आए और आज भी सुन रहे आ रहे हैं और शायद 2 दिवसीय आज भी रात को रुकेंगे। आप बताइए 10 साल में जब प्रधानमंत्री जब तक रहे एक्टिव तो एक दिन के लिए भी बिहार में रात्रि विश्राम नहीं किए और हमने कई बार लगातार हमने कहा कि मोदी जी काश अगर बिहार में रात्रि विश्राम करते, लेकिन अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा, तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं, हम लोग हमेशा मेहमान को बढ़ चढ़ के स्वागत करते बिहार आ रहे, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि इसके बाद भी आइए, भले प्रधानमंत्री मत रहिएगा लेकिन ऐसे भी आप आते रहिए बिहार में और बिहार के लोगों का प्यार आशीर्वाद सब प्राप्त करते रहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार से पीएम का लगाव हो गया है, पहले कहाँ था, जब 10 साल पावर में रहे हैं तभी भी लगाव होना चाहिए ना, अभी जाने के टाइम में क्या लगाव, अभी जब आप जल जा रहे हैं, पहले लगाव होता तो शायद बिहार में कई फैक्ट्री आप खुलवा देते, युवा के लिए बहुत अच्छा विकल्प देते, और अभी आप जाने के टाइम में आपको लगाव लगा के क्या फ़ायदा है, अभी तो हम लोग खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिहारी मजबूती से लड़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे। और देखिए चुनाव में मैं आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूँ हमारे तमाम जनता को कि मजबूती से अपना मत का प्रयोग करें और वोट परसेंटेज अगर कम होता है जिसमें बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंट बढ़े, लेकिन अगर कम होता है तो बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ये सब आप सबको भी पता है और बिहार की जनता को पता है कि कौन लोग धूप में निकलना नहीं चाहते। धन्यवाद।